मेट्रॉमे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे ज्यादा आयरा को समझाने की कोशिश करता है। आयरा, मैंने तुमसे शादी इसलिए तो नहीं की कि मैं बात बात पे तुमसे उलझता रहूं, बल्कि होना तो ऐसे चाहिए कि कोई भी मसला हो तो हम मिल बैठ के उसे हल करने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हारे रवैये ने तो मुझे काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया है। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? शायद मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जब मैं तुम्हें मुबशा के साथ देखती हूँ ना, तो तुम जानते भी नहीं कि मुझे कैसा फील होता है। तुम खुद ही मुझे कहते थे ना कि किस तरह मुबशा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनी, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मोहब्बत तो तुम मुझसे करते हो ना। आयरा तो ये बात जानती भी नहीं कि अब सैद को मुबशा की भी फिक्र होना शुरू हो गई है। जब से मुबशा ने उसकी साइड ली है, आयरा को जैद की जिंदगी में शामिल किया है, तब से जैद के दिल में मुबशा की कदर और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये बात आयरा बिल्कुल भी नहीं जानती, इसलिए वो बार बार उसे यही कहती है कि वो आखिर मुबशा को अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देता। आयरा की ये बात सुनते ही जैद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये तुम क्या कह रही हो आयरा, तुम होश में तो हो? मुबशा को मैं अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकता हूँ? इधर जैद के डर मुबशा से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि आयरा को जैद की जिंदगी में इस तरह रख के तुम जैद के दिल में अपना मुकाम हासिल कर लोगी? मेरी बात याद रखो, तुम जैद को खुद से दूर कर रही हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो। तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी हर जिद को पूरा करता गया। अब मुझे मालूम हो गया है कि अब मुझे ये सब कुछ कैसे ठीक करना है। आसिम अंकल, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने जो कुछ किया ठीक किया। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।